नमस्कार दोस्तों, आज की न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं हूं रविंदर। दोस्तों आज हम आपको शुरू में बताएंगे कि आइडिया सिम का वेरिफिकेशन कैसे करें। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में करके दिखाएंगे आप अपनी नई आइडिया सिम का वेरिफिकेशन किस प्रकार करोगे। तो दोस्तों जो आपका जिस डॉक्यूमेंट पर आपने सिम लिया वो आपके पास होनी चाहिए और वो मोबाइल आपके पास होने चाहिए जिसमें आपकी न्यू सिम पड़ी हुई है। तो दोस्तों आपको डायल करना होगा 59059। ठीक है दोस्तों, मैंने 59059 डायल कर लिया है अपने उस सिम पे जिसका मुझे वेरिफिकेशन करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ कि आप किस तरह से अपनी आइडिया सिम का वेरिफिकेशन करोगे। तो दोस्तों आपको अपनी भाषा चुन लेनी है। मेरी भाषा हिंदी है, मैं हिंदी चुन लेता हूँ। फेसबुक और यूट्यूब जैसी सेवाओं का बिना रुकावट उपयोग करने के लिए आपको मोबाइल इंटरनेट सर्विस तो यहाँ पे आपको अपना इंटरनेट जो है शुरू कर लेना है, एक्टिवेट कर लेना। डीओटी के आदेश अनुसार आपके आईडिया नंबर पर सर्विस शुरू करने से पहले वेरिफिकेशन अनिवार्य है। प्रिय ग्राहक, नया प्रीपेड कनेक्शन लेते समय आपने जो दस्तावेज या डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वे दिए गए विकल्पों से चुने। जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है वो चुने। आधार कार्ड दो दबाएं। मैंने आधार कार्ड लगाया था, दोस्तों मुझे यहाँ पे दो दबाना है। यदि आपने कोई कृपया सबमिट किए गए एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट के अंक के 4 डिजिट्स एंटर करें। आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक आपको दोस्तों एंटर करने हैं, जो आपके आधार कार्ड में दिख रहा होगा। आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक आपको एंटर कर देने हैं। सबमिट किया है तो कृपया एंटर करें 5678। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक। आपने एंटर किया है 1039। पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं। 1 दबा देना है। नाम को कैंसिल करके दोबारा कृपया अपना जन्म वर्ष YY फॉर्मेट में एंटर करें। उदाहरण के लिए यदि आपका जन्म वर्ष 1980 है तो कृपया एंटर करें 1980। तो दोस्तों जिस सन में आपका जन्म हुआ है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे मैं डाल देता हूँ 1997। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वो एंटर कर देना जिस सन में जो आपके आधार कार्ड में डली हो। एंटर किया है 1997। पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं। अब 1 दबा देना है। तो दोस्तों हमारी डिटेल जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। आपका नंबर 15 मिनट में एक्टिवेट हो जाएगा। आइडिया सर्विसेज का लाभ लेने के लिए कृपया अपना फोन 15 मिनट के बाद रीस्टार्ट करें। आइडिया में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों आपने देखा मैंने लाइव डेमो कर दिया है। आपको 59059 पे कॉल करनी होगी और कॉल करने के बाद में आपको भाषा चुननी है। भाषा चुनने के बाद में आपको अपनी इंटरनेट सेवाएं शुरू करनी है। शुरू करने के बाद दोस्तों आपको अपना डॉक्यूमेंट चुनना है। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड चुनना है, वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड चुनना है। यदि आपने आधार कार्ड से सिम लिया है तो दोस्तों आपको आधार कार्ड चुन लेना है। उसके बाद वो बोलता है कृपया अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक, आपको मालूम है कि आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक क्या डले हुए हैं आपके आधार कार्ड में, वो एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद वो कन्फर्म करने के लिए 1 मांगता है, आप 1 प्रेस कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों वो मांगता है आपकी डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए आपका जन्म 1992 या 1990 में हुआ है तो दोस्तों आपको उसमें अपना जन्म वर्ष डालना होगा 1992। डालने के दोस्तों आपको कंफर्म कर देना है, करने के लिए 1 दबाना है, 1 दबा दीजिए। तो दोस्तों आप इस तरह से अपनी आइडिया सिम का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।